बैग पैक हो चुके हैं और ये भी पैक हो चुका है, ये देखें, और ये भी एक पैक है और ये भी है, और कासिम भाई भी अभी सेट बैठे हुए हैं यहाँ पे। असल में आखिरी सर्वे जो रहती है ना वो देख के अब निकल रहे हैं। सब निकल रहे हैं, सारे ये बैग रखा लिए हैं अपने, ये बहुत ही भारी थे तो ये सब अभी नीचे खड़े हुए हैं हमारे बंदे, तो कुछ पिक्चर्स निकाल रहे हैं आगा फैदा भाई से। तो ये यहाँ पर कुछ सेटिंग में हो रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे सीधा बस टर्मिनल, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, वहाँ पे हमारी कोई 12:30 बजे की बस है। हम होटल से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा बस टर्मिनल, तो ये गाड़ी अब रास्ते में कोई मशहद बस टर्मिनल से निकल चुके हैं और ये अभी बस चल रही है हमारे यहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कोई 12:30 बजे चली है यहाँ से, तो ये बहुत ही सस्पेंशन बस का बहुत ही अच्छा है और झूल रही है बस, तो ये दो बंदे हमारे ये और दो ये बैठे हुए और चार बंदे हमारे पीछे बैठे हुए, तीन एक जैसे असलम भाई और भाई भाई सामने आप देखें तो ये सारा वाइट हुआ पड़ा हुआ है, बहुत सारी बर्फ़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे नज़ारा है बर्फ़ का। हमारी बस कहाँ पे रुकी है तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे। ट्रक भी गुजर रहा है यहाँ से और दूसरी बस भी गुजर रही है, ये व्यू आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है। चाबा टर्मिनल से उतर के अभी हमने टैक्सी करवाई है, दो टैक्सी कराए हैं, तो सामान लोड हो रहा है, तो अभी हम जाएंगे सीधा रमजान बॉर्डर में, तो पहले रास्ते में लंच करेंगे फिर रमजान बॉर्डर जाएंगे, तो आगे का आपको दिखाएंगे जो होगा, सामान लोड करें तो ये आपको दिखा रहे हैं हम। अभी सामान लोड हो रहा है, ऊपर से दो बैग आ चुके हैं और एक अंदर की तरफ चला गया है और एक ऊपर और एक ये पड़ा हुआ है, तो देखते हैं। एक हमारी इधर मोटर टैक्सी है ये पीली, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर यहाँ पर सेटिंग हो रही है सारी, तो कुछ ये हसमत भाई भी आ रहे हैं, यहाँ पे इनके बैग भी हैं, देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं ये बैग। ईरानी कोई ये टाइम 1:30 बजे तक खुला है, पाकिस्तान टाइम अगर बात की जाए तो 3 बजे तक खुला है वो बॉर्डर, तो बाकी का जो होगा तो आगे दिखाएंगे आपको। अभी हम पहुंचे थे लंच के लिए, तो अभी कोई दोपहर हो रही है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो सब रेडी हैं, सब ने 8 बिरयानी ऑर्डर की है हमने, तो बिरयानी आ रही है, तो बाकी वो खाएँगे फिर बॉर्डर जाएँगे।
जा चुकी है ब्रेन, तो दिखा रहे हैं तो बाकी जाके दिखाएंगे आपको। बारबेक्यू बकरा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये सामान उतर रहा है। यहाँ पे कुछ डाले और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो देखते हैं किस में जाते हैं। और हमने तो वैन देखनी है, तो देखते हैं किस में जाते हैं। तो यहाँ पे डाले भी हैं तो सामान हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़े से पासपोर्ट चेक करवाएंगे यहाँ पे, तो जैसे जल्दी निकल जाएँ क्योंकि अभी कोई एक घंटा रह चुका है। जैसे जल्दी होगा निकलेंगे आगे पाकिस्तान की तरफ, बाकी वहाँ पे दिखाएंगे आपको इमिग्रेशन करवा के। तो ये अभी हम ईरान के हदूद में हैं। अभी 5 बज चुके हैं, वही हमें पीली बस मिली है, तो अभी चल रही है, शाम का टाइम है, तो सुबह इंशाल्लाह 5 बजे पहुँचेंगे। शाम है अभी यहाँ पे चल रही है बस। तो जी ये वही येलो बस हमें वापसी पे वही मिली है जो जाते वक्त मिली थी हमें, तो हम अभी पहुंच चुके हैं। अभी कोई 4 बज रहे हैं रात के, तो हम अभी सामान उतरने का वेट कर रहे हैं। वो उतरेगा फिर, डोम हमने करवाई हुई है पहले से ही, तो उसमें डालेंगे। बाकी का सफ़र आगे हमारे जयपुर मीरज तक जाएगा सफ़र, तो आगे भी आपको दिखाते जाएंगे। तो अभी सामान उतरने का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जी हमारे हाईएस्ट वैन आ चुकी है, तो ये हमें खैरपुर अपने शहर तक ले जाएगी। तो ये आ चुकी है, अभी सामान लोड हो रहा है हमारा, ये आप देख सकते हैं। सामान लोड हो रहा है, सब खड़े हुए हैं यहाँ पे हमारे बंदे, वो अंदर बैठे हुए हैं। सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है जो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी का सीन जो होगा वो भी दिखाएंगे आपको आगे। पाकिस्तान रेस्टोरेंट पे हम आए हुए थे, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया। नूरियाबाद में थे अभी कोई मोटर वे पे, तो पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, हमने ऑर्डर किए थे पराठे और अंडे। तो ये पराठे आ चुके हैं, और ये एक अंडा, ये दूसरा अंडा। तो बिस्मिल्लाह करके अभी शुरू होते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। इंशाल्लाह से हम सब उतर चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं, और ये डोम थी, और ये सब हमने मिलने आए थे, देख सकते हैं आप। तो अभी घर की तरफ देखते हैं। हाँ ये तो ये सब अभी घर के तरफ जा रहे हैं, भी जा रहा हूं। ये देख सकते हैं आप सब मिलने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।